पाकिस्तान सुपर लीग में वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर के लिए शनिवार का दिन खट्टे मीठे अनुभवों वाला रहा। दरअसल मुल्तान सुल्तान के लिए खेल रहे पोलार्ड ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया। पोलार्ड ने तेजी से रन बनाए, करियर का रिकॉर्ड 800वां छक्का भी मारा और अपनी ही गेंद पर आया एक तेज गेंद भी कैच भी उन्होंने लपक लिया। ये सब पोलार्ड के लिए अच्छा रहा, लेकिन उनकी टीम हार गई। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस कैच के लिए उन्हें तारीफें मिल रही थी उसके कारण ही पोलार्ड को डांट भी खाना पड़ी। दरअसल लाहौर में खेले गए इस मुकाबले में मेज़बान कलंदर्स पहले बल्लेबाजी करने उतरे और 180 रनों का स्कोर उन्होंने खड़ा किया। उनके लिए युवा बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक ने एक बेहतरीन पारी खेली। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 35 गेंदों पर 48 रन कूटे और टीम को दमदार स्कोर तक पहुंचा दिया। काइरन पोलार्ड ने 13वें ओवर में शफीक को आउट कर दिया और ये विकेट ही पोलार्ड को डांट पड़ने की वजह रहा। दरअसल 13वें ओवर की चौथी गेंद पर अब्दुल्ला ने तेज शॉट वापस पोलार्ड की ओर खेला और ऐसे कैच लपकने के लिए मशहूर पोलार्ड ने यहां भी कोई गलती नहीं की और फुर्ती से दोनों हाथ ऊपर कर कैच को लपक लिया। यहां तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन इसके बाद पोलार्ड ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। शफीक काफी तेजी से रन बरसा रहे थे तो ऐसे में उनका विकेट जरूरी था। पोलार्ड ने वो सफलता तो दिला दी, लेकिन इसके बाद उन्होंने उंगलियां दिखाते हुए शफीक को वापस जाने को इशारा कर दिया। पोलार्ड का ये कैच और उनका ये इशारा करने का वीडियो वायरल हो गया और सबका ध्यान यहां पोलार्ड के बेहतरीन कैच पर रहा। वही मैच अधिकारियों ने पोलार्ड के इन इशारों को खेल भावना के खिलाफ माना। उन्हें उन पर PSL के कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का दोषी पाया गया और फटकार लगाई। हालांकि पोलार्ड के लिए राहत की बात यह रही कि उन्हें किसी तरह का जुर्माना नहीं लगा। PSL इस वक्त चल रहा है, PSL में भी तमाम प्लेयर्स इस समय नजर आ रहे हैं, लेकिन केरन पोलार्ड का ये तरीका जाहिर तौर पर PSL के अधिकारियों के लिए, उनके बोर्ड के लिए शायद अच्छा नहीं था और यही कारण है कि उनको फटकार यहां पर देखने को मिली। बहरहाल जिस तरह से PSL चल रहा है उसी तरीके से वहाँ तमाम खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं और कल जो मुकाबला खेला गया शनिवार को उस मुकाबले में भी शानदार खेल देखने को मिला, लेकिन केरन पोलार्ड का ये इशारा, केरन पोलार्ड का ये खेल का एक तरीके से वहाँ जिस तरह से अधिकारियों ने कहा और जो सोशल मीडिया पर वीडियो देखने को मिल रहा है उस वीडियो के बिहाफ पर ये कहा गया है कि उन्होंने जिस तरह से इशारा किया अब्दुल्ला को वो गलत था। हालांकि इस पर किसी तरह का जुर्माना तो नहीं लगा है, किसी तरह मैच फीस काटी भी नहीं गई है, लेकिन फटकार ज़रूर लगाई गई है। कहा है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, ये अधिकारियों ने कहा है PSL के। बहरहाल केरन पोलार्ड हालांकि एग्रेसिव खिलाड़ी है, ऐसा देखने को मिला है समय समय पर जब बेहतरीन कोई खिलाड़ी खेल रहा हो, गेंदबाजी पोलार्ड कर रहे हों और विकेट चटका ले तो कई तरह के इशारे हो जाते हैं, एग्रेशन देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसा ही देखने को शनिवार के इस मैच में मिला। बहरहाल स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई अपडेट लेकर मैं अब्दुल नबी हसन आपके बीच आता रहता हूँ, ऐसी ही और अपडेट लेकर आता रहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।